हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आपको FBR के अंदर अपना अकाउंट बनाना, किस तरह आप आसानी से अपना FBR विजिट के थ्रू अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, या किस तरह आप अपना कस्टमाइज तरीके से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ये वीडियो तमाम अफराद के लिए है, आया वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर एक फर्द को टैक्स फाइल करना इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो घरेलू हो, जिसको भी किसी न किसी तरह आमदन आती है उसको टैक्स फाइल करना होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस तरह आप अपना FBR के वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, ये सारा पेज है, इस पे सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आएगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उसके बाद आप FBR की वेबसाइट के अंदर अपना लॉगिन कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब आपने अपना FBR के अंदर अकाउंट बना लिया है। अब आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना है FBR के अंदर, ताकि आप टैक्स फाइल कर सकें। उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 181 रजिस्ट्रेशन के अंदर, जो पुल डाउन मेन्यू है रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर आपको फॉर्म 181 मिलेगा, वो आपने फिल करना है। उसमें अपना नाम, एड्रेस, आप अपने आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो भी आपने डिटेल्स नात्रा में दी हुई है वो ऑटोमेटिकली वो पिक करेगा। उसमें बस आपने अपना पीरियड सेलेक्ट करना है कि आप किस डेट से नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन है उनका 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर 30 जून तक होता है टैक्स ईयर, लेकिन आप अपने लिए अपना टैक्स ईयर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस से इस तक टैक्स दूंगा। तो बेहतर यही है कि आप 1 जुलाई से 30 जून तक सेलेक्ट करें। आप इसमें देख सकते हैं फॉर्म 181 आपको रजिस्ट्रेशन के पुल डाउन मेन्यू में मिलेगा, वो आपने फिल करके सबमिट करेंगे तो आप उसके बाद फाइल कर सकते हैं।
ओके okay, अब हम आपको एफबीआर ने जो लेटेस्ट फीचर ऐड किया है अपनी वेबसाइट के अंदर, विजर्ड के थ्रू आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान है अगर आपकी बिल्कुल सिंपल टैक्स रिटर्न्स हैं जिसमें आपकी सैलरी है और आप उसमें अपनी एनुअल सैलरी और अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर करना चाहते हैं और अपने एसेट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा अपना बिजनेस उसमें ऐड नहीं किया हुआ आपने, सिर्फ आपके सैलरी के रिटर्न्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो ये बड़ा बहुत ही एक बेहतरीन फीचर है जो विजिट के थ्रू इंतहाई आसान है। आप इसे देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो के अंदर भी और आप एफबीआर की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान फीचर है, मुझे बहुत ही पसंद है। बेसिकली ये ग्राफिकल बेस्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आपको इसमें कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं है। फौरन आपके पास जो भी आप डेटा पुट कर रहे हैं आपके पास बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशंस हो रही हैं। ये उन अफराद के लिए है जो बिजनेस नहीं करते अपनी जॉब के साथ और बहुत ही सिंपल है उनके टैक्स रिटर्न्स, और उन्होंने क्लेम में मोबाइल बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपना प्रॉपर्टी का टैक्स, गाड़ी के टोकन टैक्स, ये चीज़ें क्लेम करनी है। अगर तो आप सैलरीड पर्सन है और आपका जो एसेट्स हैं और प्रॉपर्टी और आप कम से कम हैं तो आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी से जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपने आप को यहाँ पे टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस विजिट को गो थ्रू करेंगे, आप साथ इस वीडियो में देख सकते हैं हम हर स्टेप को एक्सप्लेन किया। इसमें हमने कंसीडर किया कि एक बंदा है जिसकी एनुअल सैलरी 10,000 है और उसने 15,000 टैक्स पे किया और कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमने फीचर्स सारे दिखाए हैं लेकिन इसमें हमने क्लेम नहीं किया, उसको आपने कैसे कंसाइल करना है और कैसे फाइल करना है आप देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको भरपूर जितना अपने नॉलेज अपने गुड नॉलेज के मुताबिक आपको हेल्प आउट करेंगे।
व्यूअर्स, आपने देखा कि विजर्ड व्यू जो एफबीआर की नई एक इनोवेशन है अपनी वेबसाइट में, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए इंतहाई आसान है और तमाम उन अफराद के लिए जो फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। अब हम आपको जो क्लासिकल व्यू है टैक्स रिटर्न फाइल करने के इंडिविजुअल कंप्लीट ईयर का, इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहे वो बिजनेस से हो, आपके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से हो, कमर्शियल लैंड से हो, रेंट लैंड से हो, सैलरी से हो, शेयर से हो, आपके प्रॉफिट से हो, हर किस्म की इसमें ऑप्शन है। आप अपना तमाम एसेट्स इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने कोशिश की है हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकें। इसमें केस हमने वही लिया है कि एक इंसान की एनुअल सैलरी है 10 लाख और उसने टैक्स एनुअल टैक्स पे किया है 20,000, उसको कैसे उसने कंसाइल किया है, कैसे अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, किस तरह उसने सबमिट किया है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो जो भी नेक्स्ट मंडे को एफबीआर का एवरी मंडे रिफ्रेश होता है सिस्टम, तो इंशाल्लाह आप कमिंग मंडे को फाइलर हो जाएंगे। अभी एफबीआर कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसमें हर कैलेंडर ईयर में एक दफ़ा वो अपनी एक्टिव फाइलर लिस्ट अपडेट करेंगी। अगर आपको उस एक्टिव फाइलर लिस्ट में आना है और आपने लेट रिटर्न्स फाइल किए हैं तो इंडिविजुअल के लिए 1,000 सरचार्ज है और बाकी कॉर्पोरेट के लिए आई थिंक 10,000 है और इसी तरह कोई एसोसिएटेड कंपनी के लिए 50,000 है। आप ये सरचार्जेस जो हैं एफबीआर की वेबसाइट से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया, आप देखें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स या हमारी बिजनेस ईमेल पे ईमेल सेंड कर सकते हैं। हम आपको जितनी हमारी नॉलेज है उसके मुताबिक आपको भरपूर हेल्प आउट करेंगे और असिस्ट करेंगे आपके सक्सेसफुली टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए और आपको फाइलर बनाने के लिए। सो एंजॉय दिस वीडियो और डू लाइक कमेंट एंड शेयर।
ओके जी व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टेप है एफबीआर में क्लासिकल व्यू से टैक्स फाइल करने का। अगर एक दफ़ा, ये याद रखिएगा, जब एक दफ़ा अगर आपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर दिए वेरिफिकेशन के बाद, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप रिवीजन का फॉर्म सबमिट करें, जो कि एक लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसीजर है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा आप एक दफ़ा अपने टैक्स रिटर्न्स अच्छी तरह रिव्यू कर लें, उसे किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू करवा लें या अपने किसी दोस्त या अजीज से रिव्यू करवा लें, और सबमिट करने से पहले आप बिल्कुल अच्छी तरह ये तसल्ली कर लें कि आपके टैक्स रिटर्न्स बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिए, उस पर आपको ऑडिट आ सकते हैं, आपको फिजिकल ऑडिट की नोटिस आ सकते हैं, आपको सेल्फ असेसमेंट का नोटिस आ सकते हैं, आपको कभी भी एफबीआर कॉल कर सकते हैं आपके टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। तो इसलिए अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर करें जो भी आप अपना नॉलेज के मुताबिक है। ऑनलाइन बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जहाँ से भी आपको हेल्प चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट करेंगे, आप और सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आप अपने टैक्स रिटर्न्स ज़रूर फाइल करें, इससे आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में, टोकन टैक्स में और बहुत सारे इसके फ्रिंजी बेनिफिट्स हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सके तो हम ज़रूर करेंगे और आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।